हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं अमित टेक रिपेयर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ओप्पो A83 का जो वॉल्यूम बटन यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, इसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें आपको करके दिखाएंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल नंबर हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो मैं अभी आपको प्रॉब्लम दिखाऊँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो पहले वो देख लेते हैं। वो जैसे मैं वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम अप वाला बटन यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। फिलहाल इसके अंदर जो बटन है वो पावर की जो है यहाँ पर जो की लगा हुआ है वॉल्यूम का, वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने से नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो मैं जल्दी से पहले इस फ़ोन का बैक पैनल को यानी कि बोर्ड को बाहर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, हमने बैक पैनल यानी कि बोर्ड को बाहर कर लिया। अब यहाँ पर हमने इस वॉल्यूम की को पूरी तरीके से बाहर कर लिया है, तो इसमें से हमारा जो सेकंड नंबर के आने वाले अप का जो पावर की है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं टेप से इसको चिपका दूंगा ताकि अपनी जगह से हिले ना। तो हमारा जो की है ये वाला की है, ये वॉल्यूम अप का की है जो कि वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा। तो फ्रेंड, आपको ध्यान रहे रिमूव करते वक्त आपको कोई भी प्रिंट मिस नहीं होना चाहिए, सारे के सारे प्रिंट इसमें कम्प्लीटली रहने चाहिए। थोड़ा सा केयरफुली आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम लगाकर इसको रिमूव करना है। मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर के इसको रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से हमने रिमूव कर दिया और कोई भी हमारा प्रिंट रिमूव या फिर डैमेज नहीं हुआ है। तब यहाँ पर मुझे एक दूसरा की यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, तो मैं कैसे करूँगा स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बने रहिए, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सारे बॉल को अच्छे तरीके से क्लीन करके और बॉल को तैयार कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर चार पॉइंट दे रखे हैं। अब यहाँ पर मुझे ये चेक करना पड़ेगा इसमें से कौन सा हमारा पॉइंट जो है वो किसमें, मतलब कि कौन सी लाइन किस में जा रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके से है, साफ साफ पीछे की तरफ दो लाइनें दिखाई दे रही हैं। दो लाइन अभी किधर को जा रही है मैं इसको मल्टीमीटर से चेक करूंगा, तो सारे पॉइंट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक न्यू की है, मार्केट से हमने ले आया है, तो इस की को यहाँ पर इसको सेट करना है। तो इसको कैसे सेट करना है चलिए उसको हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसके दोनों पॉइंट पर आपको एक पेस्ट लगाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। उस पेस्ट को लगाते ही यहाँ पर बड़ी आसानी से ये सोल्डरिंग इसमें अटैच यानी कि काम कर जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देखूँगा इसकी लाइनें कौन कौन सी है, उसको क्लियर करेंगे तब यहाँ पर हम ऐड करूँगा, क्योंकि मेरा जो ये पावर की है वो सिंपल से दो पॉइंट का है, ना कि चार पॉइंट का, क्योंकि हमारे जो इस पत्ते के अंदर चार पॉइंट मिले हैं, इसके अंदर दो पॉइंट मिले हैं। तो हमें ये चेक करना होगा इसकी दो पॉइंटें कहाँ कहाँ जा रही, दो पॉइंटें कहाँ कहाँ, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, मल्टीमीटर को बीप के रेंज में सेट करेंगे। इधर की जो लाइनें आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रही है, चाहे ये वाली लाइन आप चेक करें चाहे सेकेंड नंबर का पॉइंट, यानी कि दोनों पॉइंट ऊपर की तरफ एक है, नीचे की तरफ एक है, सिमिलर है, ठीक है। तो इधर का इस वाले पॉइंट पर आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, यहाँ पर रीडिंग आप देखिएगा, इस पर जैसे मैं टच करूँगा तो इस पर भी रीडिंग आ रहा है और सेकंड पर भी रीडिंग आ रहा है, वही सेम वैल्यू, और ऊपर पे नहीं आ रहा है। तो ऊपर वाला मतलब कि ऊपर का दोनों पॉइंट सेम है और नीचे का दोनों पॉइंट जो हमारा है दोनों सेम है। तो मैं थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो आप ध्यान से वीडियो को देखें, यहाँ पर जो दो पॉइंट यहाँ नीचे की दिख रही है दोनों की लाइन यहाँ पे आ रही है, ध्यान से देखें यहाँ से और यहाँ तक की आ रही है, ठीक है। और सेकंड जो ऊपर की लाइनें हैं दोनों दोनों हमारी लाइनें आ रही हैं यहाँ तक, यानी कि नीचे की दहा फर्स्ट नंबर पे और ऊपर की जो दो लाइनें हैं वो सेकंड नंबर पे आ रही है। तो हमें यहाँ पर यानी कि दोनों अगर आपस में शॉर्ट करते हैं, अटैच होते हैं, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पॉइंट है, तो हम यहाँ पर दोनों पॉइंट को बड़ी आसानी से अटैच कर सकते हैं।
तो फ्रेंड चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से इसको अटैच कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको सोल्डिंग की मदद से दोनों पॉइंट को अटैच कर लेना। मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने अटैच कर लिया। अभी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा काम कर रहा है कि ठीक है। फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, रीडिंग हमें दे रही है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो की है प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू कर दिया है। तो हम यहाँ पर जल्दी से इसको बोर्ड में फिट करेंगे सब कुछ अच्छे तरीके से, और देखते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम अप की है वो वर्क करता है या नहीं। तो फ्रेंड फ़ोन ऑन हो चुका है, अभी मैं इसका पासवर्ड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉक ओपन हो गया। पासवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पर हम यहाँ पर इसके वॉल्यूम अप को सबसे पहले ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम अप वर्किंग हो चुका है, यानी काम करना शुरू कर दिया है। और इसी तरीके से मैं वॉल्यूम डाउन को भी ट्राई कर लेता हूँ और वॉल्यूम डाउन भी काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आप ओप्पो A83 यानी A83 का आप इस तरीके से पावर की को चेंज कर सकते हैं, साथ ही किसी भी फ़ोन को चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका केस भी ऐड कर लिया है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके का और भी नॉलेजेबल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक।